मित्रों, आर्थिक समस्या हो या पति पत्नी में अनबन, या घर में कोई भयंकर बीमारी ने डेरा डाल रखा हो, या आपके बच्चे पढ़ते नहीं हो, आपके बच्चों के कैरियर को लेकर आप परेशान हो, इन सभी समस्याओं का हल मित्रों हमारे इतिहास में छुपा पड़ा है। मगर प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम सारी दुनिया में धक्के खा लेंगे पर अपने इतिहास में उठा के एक बार भी देखेंगे नहीं। मित्रों, आज मैं आपको इतिहास का वो खजाना ओपन करने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे मित्रों, उसको जो मैं बता रहा हूँ, वो इतिहास का वो खजाना, उसको आप फॉलो करेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर सुनेंगे, सॉल्यूशन से ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समापन नहीं हो सके, उस समस्या का समाधान नहीं हो सके। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरा पूरा देखें मित्रों। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नवरात्रा का पावन पर्व आने वाला है। इस नवरात्रा के पावन पर्व पे मैं एक कैंपेन कर रहा हूँ मित्रों। वो कैंपेन है नवरात्रा के 9 दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो मित्रों, जो भी मेरे कैंपेन से जुड़ना चाहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो नवरात्रा का जो स्पेशल मेरा कैंपेन है ये मैं खुद भी करूँगा, और मैं चाहता हूँ मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, क्योंकि नवरात्रा का जो पर्व होता है इस पर ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। अगर आप पूरे साल में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और आप ये जो प्रयोग मैं आपको बताऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आज नहीं, वो अगर आप नवरात्रा के 9 दिन कर लेंगे तो पूरे साल पढ़ने का फल आपको मिलेगा मित्रों। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये उपाय बताऊँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएँ, और आप मुझको ये भी बताएँ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सब मिलके अपने अपने घर पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और लास्ट में हम इसमें हनुमान चालीसा का समापन भी करेंगे। 9 दिन पूरे होने के बाद इसका जो पूर्णाहुति भी करेंगे हम, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को साथ लेके हनुमान जी की कृपा से हम हर समस्या को दूर करेंगे मित्रों। ये काम अपने देश के लिए करेंगे, अपने हिंदू धर्म के लिए करेंगे, अपने सनातन धर्म के लिए करेंगे, और हम हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं हमारे परिवार के लिए करेंगे। जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। मेरा टॉपिक ये है कि दुनिया में आज इतनी परेशानी है, आज हर परिवार पैसे के लिए परेशान है। हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, पर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी गरीबी है उतनी ही अमीरी भी है? तो इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है मित्रों? मित्रों, हिंदुस्तान में पति पत्नी आपस में परेशान भी हैं तो बहुत से पति पत्नी भी हैं वो सुखी भी हैं, वो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं पति पत्नी, तो उनमें यह प्रेम कहां से आया मित्रों? मित्रों, हर आदमी अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि बच्चों का कैरियर नहीं बन पा रहा है, बच्चे पढ़ाई में टॉप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कार्टून देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट आते हैं, जो IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं मित्रों, उनमें ऐसा क्या है मित्रों? मित्रों, ये अपने को जानने के लिए हम आपको लेके जाते हैं इतिहास में। इतिहास में हम आपको लेके जाते हैं महाभारत में। मित्रों, महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह जी मरण शैया पे थे, तब सभी पांडव कौरव उनके पास आए और उनसे आके एक प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, आपने भीष्म प्रतिज्ञा की है और पूरी जिंदगी आपने न्याय का साथ दिया है, पर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको हरा सके, आप इतने शक्तिशाली हैं, तो आप हमें इतनी सी राय दे दें, इतनी सी बात बता दें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो मित्रों, भीष्म पितामह ने सबको बुला के कहा कि अगर तुम मुझे अपना पितामह मानते हो और तुम चाहते हो कि हमारा जो ये धर्म है ये आगे बढ़ता रहे और इस धर्म का हर इंसान सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे, तो उसको डेली, हम इतनों डेली एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना ही चाहिए। मित्रों, विष्णु सहस्त्र नाम जो संस्कृत के महान विद्वान महर्षि वेदव्यास ने लिखा था,
यह संस्कृत में लिखा हुआ है और इसको पढ़ना आम आदमी के बस के नहीं है, आम आदमी के लिए बहुत कठिन है अगर उसको संस्कृत नहीं आती है तो मित्रों। लेकिन मित्रों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये भगवान के, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। विष्णु भगवान जो कि ऑपरेटर हैं, इस दुनिया को चलाने वाले हैं। क्योंकि मित्रों एक चीज़ बताऊं, आपको कोई भी काम करवाना हो, आपको अगर बस चलानी है तो बस ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा, आपको हवाई जहाज चलाना है तो हवाई जहाज ऑपरेटर के पास जाके बोलना पड़ेगा कि चलिए, आपको हेलीकॉप्टर में बैठना है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेटर है वो आपको चलाएगा, वो आपको लेके जाएगा। वैसे ही इस दुनिया में आपको किसी भी अच्छी जगह पहुंचना है, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है, सारी सुख संपत्ति प्राप्त करना है, तो इस दुनिया के जो ऑपरेटर हैं वो है भगवान विष्णु, उनकी शरण में आपको जाना पड़ेगा मित्रों। उनकी शरण में जाने के लिए आपको मित्रों क्या करना है, उनकी शरण में जाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ डेली करना है मित्रों। ये इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि जिस दिन से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी के चारों ओर एक ऑरा बन जाता है, वो ऑरा आपकी रक्षा करता है। उसी दिन से आपके और आपके परिवार के साथ जो अशुभता है उसका नाश होना शुरू हो जाता है, वो अशुभता खत्म होनी शुरू हो जाती है मित्रों। मित्रों विष्णु सहस्त्र नाम में इतनी शक्ति है कि कोई अभागा पर्सन, कोई रिक्शा चलाने वाला पर्सन अगर इसका पाठ कर ले पूरी विधि विधान से, अगर आप ये जानना चाहते हैं पूरी विधि विधान से पाठ, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि 2 रुपए का पीला धागा आपकी किस्मत चमका सकता है, उसको जाके आप देखिए। एक सिंपल आदमी 1000 रुपए 2000 रुपए कमाने वाला अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करता है पूरी भावना से, तो प्रॉमिस करता हूं मित्रों 45 डेज मुझे दे दिए, 45 डेज के बाद आप मेरे से बात कर लीजिए। 21 विष्णु सहस्त्र नाम का उसको पाठ करना है, पर ये संस्कृत का पाठ है तो बहुत सावधानी से करें, बहुत प्रॉपर तरीके से करें। 45 दिन के बाद आप देख लीजिएगा उसकी लाइफ में जो ग्रोथ आता है, उसकी जो परेशानियां हैं मित्रों, जो भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कर नहीं सकते, आप इतने बीमार हैं आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों को बोलिए वो करें। अगर आपके बच्चे भी नहीं कर सकते, आपकी पत्नी नहीं कर सकते, आपका पति नहीं कर सकता, आपके बच्चे नहीं कर सकते, तो मोबाइल जिंदाबाद, मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम सोत का पाठ लगा के अपने पास रख लीजिए और उसको सुनिए मित्रों। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मोबाइल में सुनते हैं उसका 50% इफेक्ट होता है। देखिए 300 का मैं रोल दूंगा, ये 300 बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी पाठ करने में, स्पेशली विष्णु सहस्त्र नाम में। पहला सह होता है समय, दूसरा सह होता है समर्पण। तो आपको समय इसका फिक्स करना है, डेली आपको 6 समय फिक्स करना है मित्रों। अगर आप समय फिक्स नहीं होगा आपका तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। समर्पण का पूरा भाव होना चाहिए भगवान विष्णु में, समर्पण का पूरा भाव भगवान विष्णु में होना चाहिए आपका, और वो समर्पण का भाव ही आपको आगे लेके जाएगा, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करेगा। और तीसरा सह होता है स्वच्छता। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पवित्रता का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर आप समर्पण भाव से पाठ नहीं करते हैं, अगर आप टाइम फिक्स नहीं रखते हैं, तो मित्रों आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप सोच रहे हैं। पर मैं ये भी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ सबको कि अगर आपको 100% रिजल्ट नहीं मिले तो 50% रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये इतना पावरफुल स्रोत है, अगर इसका सिर्फ मोबाइल के अंदर आप सुनते हैं, मोबाइल में कई अच्छे विष्णु सहस्त्र नाम सोत के पाठ अवेलेबल हैं, वो जाके आप सुनिए, वो जाके आप पढ़िए, उनके साथ साथ बोलिए और उसको फील कीजिए मित्रों। आपको मैं एक और, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी विष्णु सहस्त्र नाम पे अगर आप बोलेंगे तो, जिसमें ये बताया गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सारे ग्रह हैं, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु भी आपके पॉजिटिव हो जाते हैं मित्रों। ये शक्ति है, ये पावर है मेरे प्रभु की, विष्णु भगवान की, जो कि ऑपरेटर हैं, इस दुनिया को चलाने वाले हैं। तो उनको मैं शत-शत नमन करता हूँ। मेरी औकात नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में ज़्यादा बोल सकूँ मैं, पर जो जो मुझे याद आया वो मैंने आपको बताया।
जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन शास्त्रों से कलेक्ट करी, जो मेरे गुरु ने और मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आया हूँ। पर मित्रों, उठा के देख लीजिए आप, उठा के देख लीजिए आप, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, सभी विष्णु सहस्त्र नाम का गुण गाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि एक प्रण लें और नवरात्र के पहले दिन से ही विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ना शुरू करें। मित्रों, बहुत अच्छा समय आने वाला है, मित्रों बहुत अच्छा समय आने वाला है नवरात्र का। कोई भी काम शुरू करना हो, इससे बढ़िया कोई समय नहीं है, इससे पवित्र कोई समय नहीं है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर हनुमान चालीसा का नवरात्रि स्पेशल उपाय अगर आप करना चाहते हैं कैंपेन मेरे साथ ज्वाइन, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊँगा। जय श्री राम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।